बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर क्लास वन स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर मिस फरीहा। आई एम टेकिंग योर सब्जेक्ट कंप्यूटर। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, ओपन द पेज नंबर 23। दिस इज़ योर न्यू चैप्टर। Your chapter name is Central Processing Unit. Central Processing Unit. What is Central Processing Unit? इसका short form होता है CPU, और CPU जो है वो हमारी कौन सी device होती है? This picture is shows the CPU. CPU जो है हमारी processing device होती है. हमने बहुत सारी input devices पढ़ी हैं students, output devices पढ़ी हैं, लेकिन CPU जो होती है वो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, और ये सिर्फ एक ही डिवाइस होती है, एक ही प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। ओके, नाउ स्टार्ट योर चैप्टर। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, और CPU जो है वो कंप्यूटर का बहुत ही अहम एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट CPU। कंप्यूटर जो है हमारा वो कभी भी CPU के बगैर जो है वो कोई वर्क नहीं कर सकता। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में भी ब्रेन होता है, इसी तरह कंप्यूटर का भी ब्रेन होता है, और उसके कंप्यूटर के ब्रेन को हम CPU कहते हैं। इट कंट्रोल्स ऑल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने पार्ट्स होते हैं, मॉनिटर है, CPU है, कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर्स हैं, उन सबको कौन कंट्रोल करता है? उन सबको कंट्रोल करता है CPU। ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू द CPU। और जितने पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, ये सब कीबोर्ड से जो है वो कनेक्टेड होते हैं। ओके, इट टेल्स ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर व्हाट टू डू। और इसका काम ये होता है CPU का कि ये तमाम पार्ट्स को ये बताता है कि उन्हें क्या करना है। What computer tells all part to what to do, यानी कि जो computer है उसको जो है वो सारी information देता है। कौन देता है? CPU देता है कि उन parts को क्या करना है। Okay student, now come to the board. Okay students, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो CPU है उसका full form क्या है? Central Processing Unit. Say with me students, CPU stands for Central Processing Unit. Central Processing Unit या CPU जो है वो एक processing device है। Okay students, देखें अब आप लोग board पे, look at the board. This is the picture of CPU. अब हम CPU के parts पढ़ेंगे कि CPU के कौन कौन से parts होते हैं। Okay, आपको top पे ये जो नज़र आ रहा है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है CD-ROM. आप मेरे साथ पढ़िए, CD-ROM. इसमें जो है हम CD को इंसर्ट करते हैं। चाहे आप किसी कार्टून की CD ले लें या आप किसी मूवी की CD ले लें, तो अगर CD को हमें इंसर्ट करना होगा तो हम CD-ROM में इंसर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये जो नीचे आप लोगों को पार्ट नज़र आ रहा है ये कहलाता है USB पोर्ट। से विद मी, USB पोर्ट। इसका काम क्या होता है? USB जो होती है, जिसको हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, वो USB हम इधर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और USB डिवाइस जो होती है उसको जो है हम इस जगह पे, इस पोर्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं। ओके, अच्छा, हमारा लास्ट पार्ट क्या है? दिस इज बटन, और इस बटन को क्या कहा जाता है? पावर बटन। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स इस बटन को? पावर बटन। दीज आर द पार्ट्स ऑफ मॉनिटर, CD-ROM, USB पोर्ट एंड पावर बटन। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ पिक्चर CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट समझ आ गया होगा। नाउ कम टू योर असाइनमेंट। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ डिसम्बर। आपका चैप्टर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेक अ टाइटल पेज ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारा इसका
नंबर वन वर्क क्या है? क्वेश्चन आंसर्स. नंबर वन क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज सीपीयू? आंसर, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट आर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के शॉर्ट फॉर्म को हम सीपीयू कहते हैं. उसका इसका क्वेश्चन नंबर थ्री है, डज इट कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर? हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को जो है सीपीयू कंट्रोल करता है. तो इसका आंसर है येस, इट कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. क्वेश्चन नंबर फोर इज द मॉनिटर कनेक्टेड टू द सीपीयू? क्या मॉनिटर सीपीयू से कनेक्टेड होता है? इसका आंसर है येस, मॉनिटर इज कनेक्टेड टू द सीपीयू. मॉनिटर जो है सीपीयू से कनेक्टेड होता है. क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर वन ब्लैंक इज सीपीयू इज द इम्पॉर्टेंट डैश ऑफ कंप्यूटर. कौन सा चीज, क्या चीज है इम्पॉर्टेंट हमारे लिए? सीपीयू इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर. नंबर टू स्टेटमेंट है, डैश कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ कंप्यूटर. सीपीयू कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ कंप्यूटर. नंबर थ्री, सीपीयू इज द प्रोसेसिंग डिवाइस. सीपीयू इज द प्रोसेसिंग डैश, और डैश में क्या आएगा? डिवाइस. सीपीयू जो है एक प्रोसेसिंग डिवाइस है. नंबर फोर इज ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू द सीपीयू. जितने पार्ट्स होते हैं वो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं. नंबर फाइव इज सीपीयू हैज पावर डैश. सीपीयू हैज पावर बटन. हमने ही पढ़ा था अभी, मैंने बोर्ड पे आपको पिक्चर में भी समझाया था कि सीपीयू का जो है एक पावर बटन होता है, ताकि हम उसको वहाँ से ऑन भी करते हैं और उसी पावर बटन से हम उसको ऑफ भी करते हैं. आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को असाइनमेंट नंबर वन समझ आ गया होगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.